हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अभिषेक भाई के घर और बनाने जा रहे हैं ये टायर है फ्रेंड्स, और इसका हम बनाएंगे एक झूला और दिखाएंगे आपको कैसा बनाते हैं फ्रेंड्स। और एक ये कपड़ा ले लिया फ्रेंड्स, काफी दिनों से रखा टायर है हमारे पास, और इसको सबसे पहले तो साफ करेंगे। तो ये मैं साफ कर रहा हूँ इसको, और दिखाएंगे आपको कि टायर से कैसा झूला बनाया जाता है फ्रेंड्स। और ये है हमारे पास ड्रिल मशीन, मोटो बर्मो लिखे तो ये ड्रिल मशीन का वो चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये हमारे छोटू भाई तो फ्रेंड्स, ये हमारे छोटू भाई अभी ड्रिलिंग कर रहे हैं, और देख सकते हैं आप एक एक इंच की दूरी पर खेत करेंगे फ्रेंड्स। वहां तक आते हैं टाइम लग लगेगा, वहां तक आप टाइम लग लगा। तो फाइनली दोस्तों, हमने टायर में सभी जगह एक एक इंच की दूरी पर फ्रेंड्स छेद कर दिए हैं, और अब इसके बाद बारी आती है रस्सी फिल करने की। और अब हम फ्रेंड्स रस्सी फिल करेंगे, दिखाएंगे आपको। अभी इसमें चार छेद और रह गए हैं जो हमारे टंगेंगे, उसके लिए अभी हमको मशीन का वर्मा बदलना पड़ेगा, और मशीन का वर्मा बदलने के बाद हम इसमें भी छेद करेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये हमारे और ये हैमर देख सकते हैं, हैमर ये भी X बोलते हैं, इसका अच्छा मॉडल है ये, और काफी समय से हम इसको यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। फ्रेंड्स, ये हमारे काका जी भी हैं और ये बच्चे भी आ गए हैं, देख रहे हैं कि क्या चीज बन रही है। तो इनको बनने के बाद इनको हम पूरा करवा बताएंगे इनको, और ये इधर सब देख रहे हैं, दर्शक काफी उत्सुकता से देख रहे हैं, झूला झूलने के लिए भी उत्सुक है, और दिखाएंगे आपको फ्रेंड्स। जो इसका झूला, जो टायर का झूला जो बना रहे हैं, और वो हमारे छोटू भाई बनाएंगे, विकास भाई मालवी, उनके द्वारा ये दिमाग लाया गया है कहीं से, तो हम इसको पूरा बनाने के बाद दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। ये वर्मा चेंज कर रहे हैं, मशीन का बड़ा वर्मा लगाया 16 mm का इसमें, और अब 16 mm से हम छेद करेंगे, इसमें चार छेद जिसमें रस्सी टंगेगी हमारी, और फटाफट से दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। ये रस्सी है फ्रेंड्स, बहुत ही कम लागत की 20 रुपए की रस्सी है, और अब इसको हम डाल के दिखाएंगे आपको। चलो भैया चालू करेंगे फ्रेंड्स, एक बार प्रेशर मारे, और ये इधर आओ छोटू, इधर पटे आप तो बस। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी रस्सियों से पूरी बुन चुके हैं, और ये देख सकते हैं अब इसको आप झूला, सुबह हम इसका झूला, फाइनली इसका झूला बनाएंगे, और सुबह हम इसको झूलेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा झूला बनकर तैयार हो चुका है, और हमने इसमें ये रस्सी लगा दी है छेद करके, आपको दिखा नहीं पाए। और यदि आप बोलोगे कि भैया दिखाओ कैसी रस्सी लगाते हैं, तो वो भी दिखा देंगे। और इधर ये रस्सी लगा दी, और इसको हमने टांगा है ये ऊपर हमारे घर जो टीन सेट लगा हुआ उसमें हमने टांग दिया इसको, और इसका हम ट्रायल भी करके देखेंगे। पहले हमारे डब्बी भाई बैठेंगे, डब्बी भाई बैठो फटाक से भैया, ये देखो डब्बी भाई बैठते हैं, और काफ़ी बढ़िया झूले का मज़ा आ रहा है, और ये देखो ये झूले पे सब आनंद ही कुछ और आ रहा है झूले पे बैठने का क्या। और इस पर कलरिंग भी कर दिया, तो काफ़ी बढ़िया कलर लग रहा है उस पर मैंने तो, और उस पर हम दूसरा कलर भी करेंगे, अभी ये कलर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, उसको 2-3 कलर में बनाएंगे फ्रेंड्स हम। और देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया हमारा झूला बन के तैयार हो चुका है पूरा,
और इस पे अब बारी आती है मेरी, मैं स्वयं इस पे बैठ के देखूंगा कैसा चक्कर तो नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स आपका भाई इतना झूलेगा कि चक्कर। तो फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं झूले के ऊपर और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है झूले पे झूलने से मेरे को। और फ्रेंड्स मैं ज़्यादा देर बैठूंगा नहीं क्योंकि मेरे क्या चक्कर आ जाते हैं फ्रेंड्स, मेरे क्या है कि उल्टी जैसा माहौल बन जाता है। तो मैं इस पे सिर्फ 2-3 बार ही झूलूंगा और ये देखो, और इस पे खड़े होके भी झूल सकते हैं क्या भैया? बिल्कुल। और फ्रेंड्स ऐसा खड़े भी हो सकते हैं पर हम खड़े होने की रिस्क लेंगे थोड़ी सी, ये इस प्रकार हम खड़े भी हो सकते हैं फ्रेंड्स इस पे। ये देखो काफ़ी बढ़िया, खड़े होके भी बहुत अच्छा लगता है ये जैसा। और कोई काकाजी को बुलाओ। फ्रेंड्स हमारे तीसरे और व्यक्ति बैठ रहे हैं इस पे जो कि झूले के ओनर हैं। इनका ही टायर है और इनकी सारी रस्सी है फ्रेंड्स। अब ये झूले को हम फ्रेंड्स लगाएंगे खेत में, क्योंकि जब हम खेत में जाते हैं तो हमको बैठने की जगह अच्छी मिल नहीं पाती, टाइम पास हो नहीं पाता। तो अब हम इसको खेत में लगाएंगे और खेत में लगाने के बाद फिर खेत का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।